तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से अपने लिए एक टूल बना सकते हो। उस टूल को आप जो है ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बना के उसको अपलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जब आपके टूल के ऊपर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने लग जाए तब आप उसको मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करके मोनिटाइज भी करवा सकते हो और हर महीने डॉलर के अंदर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बेसिकली ये आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है, क्योंकि ब्लॉग के अंदर क्या रहता है कि आपने एक बार किसी भी टूल को बना के अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दिया, उसके बाद लोग जैसे जैसे उस टूल को यूज करेंगे आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगा एंड उस ट्रैफिक से आप सबके लिए आपके लिए बेसिकली जिनका ये ब्लॉग है उनके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, वो भी डॉलर के अंदर। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है घर बैठे एक पैसिव इनकम जनरेट करने का, जिसे आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर टूल बना के बताने वाला हूँ। उस टूल को हम चैट जीपीटी की मदद से बनाएंगे एंड उसके बाद में ब्लॉगर के ऊपर एक वेबसाइट बना के उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप ब्लॉग बनाना सीख जाओगे, आप टूल बनाना सीख जाओगे, आप उस टूल को ब्लॉग के ऊपर डालना सीख जाओगे और इस मेथड से आप सिर्फ ये टूल ही नहीं और बहुत सारे मल्टीपल टूल बना सकते हो, सेम प्रोसेस रहता है। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आप हमारे वीडियोज पहले से वॉच करते हो तो वीडियोज को लाइक जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड चैट जीपीटी की मदद से टूल जो है हम यहाँ पे बनाते हैं। सो सबसे पहले तो आप देखिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को क्या कमांड दिया है, राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर इन HTML विद जावा स्क्रिप्ट। सो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड ये कमांड मैं चैट जीपीटी को दे देता हूँ। सो मैंने चैट जीपीटी को ये कमांड दे दिया है एंड यहाँ पे चैट जीपीटी हमारे लिए कोडिंग को रेडी कर रहा है। तब तक हम जो है ब्लॉग बना के रेडी कर लेते हैं। सो ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। देखिए अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, आप कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉगर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये चीज जो है कर सकते हैं। सो ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा गूगल में एंड आपको टाइप करना होगा ब्लॉगर। सो आप ब्लॉगर टाइप करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने जीमेल से साइन इन करने का ऑप्शन होगा एंड आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी जीमेल्स आपने लॉगिन की हुई होंगी वो सारी की सारी जीमेल आपको वहां पे शो होगी। सो आप उनमें से कोई भी जीमेल को जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड जीमेल सिलेक्ट करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सिलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पे टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर की, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर टूल जो है टाइप कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर मैंने यहाँ पे टाइटल जो है लगा लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपको अपने ब्लॉग के लिए एक URL क्रिएट करना है। URL क्या होता है, देखिए आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो जो सबसे ऊपर जो लिंक रहता है बेसिकली उस वेबसाइट का, उसे ही URL कहा जाता है। हर लिंक URL नहीं होती है लेकिन हर URL एक लिंक होती है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप देखिए ये जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे मैं पीछे ऑनलाइन लगा देता हूं तो ये भी अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे मैं फ्री लिख के देखता हूं, हो सकता है ये अवेलेबल मिल पाए लेकिन ये भी अवेलेबल नहीं है। सो ब्लॉगर के ऊपर यही एक इश्यू रहता है कि आपको URL जो है सही ढंग की नहीं मिल पाती है, जिससे सर्च रैंकिंग में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करते हो तो फ्री प्लेटफॉर्म है,
अच्छी कोशिश आप यहां से कर सकते हो। बाद में धीरे धीरे आप जो है वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हो। एक बार जो है अगर आपका ट्रैफिक आने लग जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आप टूल बनाना सीख जाओ, उसके बाद जो है सारा खेल आपको जो है समझ में आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे हमने URL सेलेक्ट किया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर फ्री 99.blogspot.com, सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे हमारा जो ब्लॉग है वो बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए आप चाहे तो अपने थीम अपने ब्लॉग के लिए गूगल से कोई भी थीम ले सकते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से भी किसी थीम को जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये थीम अप्लाई कर दी है, सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। नीचे सेटिंग में आना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करते करते आपको आना है मेटा टैग के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मेटा टैग में आके आपको जो है ये इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे नीचे ये थर्ड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 150 कैरेक्टर तक अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं जो कि लोग सर्च करते हैं, जिससे लोग आपके इस टूल को फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर हमने यहाँ पे लिखा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर फ्री यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर ऑनलाइन हम लिख लेते हैं। सो इसी टाइप से आपको इन पूरे वर्ड का यूज करना है ताकि लोग ये सर्च करें गूगल में और आपका आर्टिकल जो है रैंक करें। अगर ये चीजें आप नहीं करोगे, मेटा टैग अगर आप इनेबल नहीं करोगे, तो सर्च में आने के चांसेस जो है और ज्यादा कम हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करना है, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग को भी आपको जो है ऑन कर लेना है यहां से। अब देखिए नॉर्मल काम आपका हो चुका है, बट गूगल सर्च कंसोल में आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना होगा। इसके अलावा आप बिंग, इंडेक्स, इन सारे सर्च इंजन में भी अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रैफिक आपके ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर एंड उस टूल को क्रिएट करते हैं। तो यहां पे आपको पोस्ट पे आके न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको टाइटल लगा लेना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर। आप लेबल भी सेम चीज लगा सकते हो यहाँ पे, एंड नीचे आपको परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा लेबल के नीचे। परमालिंक में आपको आना है कस्टम परमालिंक के ऊपर, एंड जो आपका टाइटल रहने वाला है उसी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड जो बीच में स्पेस है उसको हटा के ये डैश आपको लगा देना है। सो ये आपने यहाँ पे काम कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, टाइटल के नीचे ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको HTML व्यू सिलेक्ट रखना है। दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे आपको, कंपोज व्यू एंड HTML व्यू। कंपोज व्यू में जब आप जाओगे तो आप डायरेक्टली ब्लॉग यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लेकिन HTML व्यू में आप जो है यहाँ पे कोडिंग पेस्ट करते हो, क्योंकि कोडिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होती है जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। सो उसको इसी में पेस्ट किया जाता है। सो यहाँ पे देखिए कोडिंग जो है हमारे सामने यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। चलिए इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं। सो दोस्तों हमने इस पर्टिकुलर कोडिंग को वहां पे पेस्ट कर दिया। आप देखिए सबसे पहले हमने इस वाली कोडिंग को यहाँ पे ले जाके पेस्ट किया, एंड सेकंड जो कोडिंग थी हमारे सामने इसको भी हमने जो है यहाँ से ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो अब हम इसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे चेक करते हैं कि ये टूल आखिर कैसा दिखेगा लोगों को जो इसकी इसके ऊपर विजिट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि ये वेबसाइट लोगों को कैसा शो होने वाली है। तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, और ये हमारे सामने जो है पासवर्ड जनरेटर का पूरा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए पासवर्ड की लेंथ आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि अपर केस लेटर रखने हैं, लोअर केस भी रखने हैं, नंबर्स भी रखने हैं, सिंबल भी रखने हैं। ये सारा चीज आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे एंड जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। सो चलिए इसको पब्लिश करके एक बार टेस्ट करते हैं कि ये वाकई में पासवर्ड जनरेट करता है या नहीं। सो कन्फर्म पे क्लिक करते हैं हम, और हमारा जो ब्लॉग है या बेसिकली जो टूल है वो पोस्ट हो चुका है। अब कोई भी इसको यूज कर सकता है। सो चलिए इसको देखते हैं और विजिट करते हैं।
और कोई अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 12th की जगह हम जो है यहाँ पे पासवर्ड की लेंथ रखते हैं 30, और इसमें जो है अपर केस लोअर केस यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको रखना है। सिंबल में भी रख सकते हो, सिर्फ आप नंबर्स में भी रख सकते हो, लोअर केस में भी रख सकते हो, अपर केस में भी रख सकते हो, इन सभी का मिक्स भी बना सकते हो। नीचे जनरेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है जनरेट होके आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा चैट जीपीटी ने हमें जो रेस्पॉन्स दिया वो टूल हमारे लिए काम नहीं किया, लेकिन हमने चैट जीपीटी को अगेन कमांड दिया तो चैट जीपीटी ने हमारे लिए ये दूसरी कोडिंग करके दी, लेकिन इस कोडिंग भी कोई भी काम हमारे जो है ये नहीं आई इस पर्टिकुलर टूल को बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को अगेन कमांड दिया थर्ड टाइम। यहां पे आप देखिएगा जो अब तक इस वीडियो के अंदर टिके हुए हैं, यहां पे मैं आपको एकदम रियलिटी बताना चाहता हूं। आप देखिए ये सेकंड पेज था, अब मैं यहाँ पे थर्ड पेज पे आता हूं तो चैट जीपीटी ने हमें ये थर्ड पेज पे अगेन एक कोडिंग बना के दी, जो कि आप देख सकते हो बहुत बड़ा पासवर्ड तो जनरेट नहीं कर सकती लेकिन 8 से 24 कैरेक्टर तक ये बना सकती है, राइट। ये कोडिंग पूरी तरह से वर्क करती है, लेकिन फिर भी अगेन हमने चैट जीपीटी को एक और कमांड दिया फोर्थ टाइम, और चैट जीपीटी ने हमें फोर्थ टाइम भी जो है कोडिंग करके दी, जो कि आपके सामने है, राइट। तो अब हम यहां पे आप देखिए ये मैंने वो फोर्थ टाइम वाली कोडिंग यहाँ पे डाली हुई है और ये इसका जो है आउटपुट हमारे सामने निकला है। यहाँ पे आप देखिए 15 वर्ड का हमें जो है पासवर्ड जनरेट करना है। जनरेट पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है। अभी देखिए यहाँ पे मैं और नंबर डालता हूं तो 13 नंबर का हम जो है जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे आप जितनी बार जनरेट जनरेट करते जाओगे आपको पासवर्ड शो होते जाएंगे। देखिए ध्यान से, अभी अभी मैं आपको लाइव और बताने वाला हूं कि कैसे मैंने इस कोडिंग को चैट जीपीटी से सही करवाया, क्योंकि पहला रेस्पॉन्स तो नेगेटिव आ चुका था। देखिए ध्यान से, ये अब पासवर्ड आप देख पा रहे हो, आप जितना चाहो यहां से लेंथ कर सकते हो, 20 तक लिमिट है इसकी, राइट। सो यहां पे अभी हम इस कोडिंग को यहां से हटा देते हैं, चलिए इन पेजेस को भी हटा देते हैं, और जो थर्ड नंबर वाली कोडिंग थी वो मैं आपको पेस्ट करके बताता हूं, राइट। तो ये थर्ड पेज वाली कोडिंग है और इसको आप देखिएगा, चलिए इसको भी मैं यहां से कंट्रोल ए के साथ जो है सेलेक्ट करके हटा देता हूं। सो अभी हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पे एंड यहां पे देखिए ये थर्ड पेज व्यू की कोडिंग है, इसको हम कॉपी करते हैं और आ चुके हम चैट जीपीटी पे। यहां पे हमने ये कोडिंग पेस्ट कर दी। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई थी उस टाइप से लेबल लगा देने हैं एंड इसको फिर अपडेट कर देना है। सो ये हमने अपडेट कर दिया है और इसके बाद हम जाते हैं इसको विजिट करते हैं, यूज करते हैं। सो व्यू पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर बन चुका है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने जो फोर्थ कोडिंग वाला यूज किया था पासवर्ड जनरेटर, वो सिर्फ 20 वर्ड तक का जो है पासवर्ड क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये 24 वर्ड तक का भी क्रिएट कर सकता है। देखिए मैं यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने नीचे पासवर्ड जनरेट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं, एकदम क्लियर कट चीज है आपके सामने, राइट। सो यहाँ पे आप चेंज करके देखिए, यहाँ पे जब आप 25 करके जनरेट पे क्लिक करोगे तो भी 24 तक ही जनरेट होगा, क्योंकि वो इसकी लिमिट है, यहाँ पे ये चीज जो है बताई गई है, राइट। यहाँ पे आप कम कर सकते हैं इस लिमिट को, ऑफ कोर्स 10 अंक का आपको पासवर्ड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा पूरी तरह से यूनिक। सो इस टाइप से आप जो है अपने लिए पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो। चैट जीपीटी से आप मल्टीपल टाइम कोडिंग करवा सकते हो अगर एक बार में कोडिंग सही नहीं बनती है तो, ये चीज आपको जो है यहाँ पे सीखनी है। सो अब ब्लॉग हमारा बन के रेडी है, टूल हमारा बन के रेडी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, राइट।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।